तेज धूप हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि लोगों की जो लंबी कतार है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर मैं इसके पहले डोरीगंज एक इलाका था वहाँ मौजूद था, और लेकिन अभी रायपुर एक गांव है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और काफ़ी लंबी कतार है लोगों की, चाहे पुरुष हो या महिलाओं, दोनों की जो कतार है वह काफ़ी लंबी है। कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2019 का जो चुनाव था सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए और 2024 में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? जी कुछ नहीं। अच्छा, पहले की तुलना में तो अब का ठीक है। नहीं, आप लोगों के मन में मुद्दा है कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कोई ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई हम लोग का कोई कष्ट है ना कोई दिक्कत है। हम लोग शांतिपूर्वक से हम लोग अपना वोट दे रहे हैं। मन में क्या चल रहा, मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, क्या मन में है? बेरोजगारी तो है ही है सर, बेरोजगारी अगर है, लेकिन हम लोग का इससे कोई अथी नहीं है कि हम लोग इच्छुक जहाँ हैं वहाँ तो है ही हैं। नहीं, सारण की अगर बात करें तो हमको लगता है सारण से सबसे ज़्यादा पलायन होती है। अगर बिहार में सारण जो है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ सबसे ज़्यादा पलायन होती है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? जी। तो आप युवा भी हैं, तो आप किस सोच के साथ, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं वोट करने के लिए? मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चलेगा, हम लोगों का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बेरोजगारी है, ऐसे ही रहेंगे, कैसे कुछ होने वाला नहीं है। अब जो सांसद पिछले 10 साल से हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, जो यहाँ की समस्या थी वो दूर हुई है? कुछ काम हुआ है, कुछ काम हुआ है, अभी भी बहुत दिक्कत है। यहाँ की जो समस्या थी लोकल लेवल पर वो दूर हुआ है? जी, बिजली नल जल का सुविधा है, पहले से अच्छा है, राजीव पटना पुरी है तो काम हुआ है, बिजली का सुधार है बहुत ज्यादा। पहली बार लालू जी की जो बेटी है वो इस बार प्रत्याशी बनी है, क्या कहेंगे? बनी है, लेकिन विकास का काम नहीं हुआ था, अब विकास का काम हो रहा है, विकास का काम। कई महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या है, आप लोग वोट डालने जा रही है, मन में क्या चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि अच्छा से वोट होगा तो हम लोग को आगे परिणती होगा, उन्नति होगा। केंद्र सरकार की जो योजना है उसका फायदा आप लोगों को मिलता है, जो भी केंद्र सरकार की योजना है? जी हाँ, मिल रहा है। यहाँ पर जो समस्याएं थी सारण लोकसभा क्षेत्र की वो दूर हुई? अभी तक पूरा नहीं दूर हुआ है, हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आशा करते हैं कि जीतेंगे लोग, जो भी जीतेंगे लोग वो समस्या को का हल करेंगे लोग। तो आप लोग ये बताइए कि मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहे हैं या फिर जाति के आधार पर? नहीं जा, मुद्दों के आधार पर। कारण बिहार में ऐसा कहा जाता कि मुद्दों की बात चुनाव प्रचार के दौरान होती है, लेकिन जब लोग वोट करने जाते हैं तो वो जाति के आधार पर ही वोट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाति के आधार पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए युवाओं के लिए इस बार मुद्दा क्या है सारण लोकसभा क्षेत्र? ठीक है, आप समझा लीजिए, पहले उनको समझा लीजिए, मतदाताओं से बात तो कर ही सकते हैं। मैं आपको समय देती हूँ, सौरभ दोबारा आपके पास आती हूँ।